ये है पेंगोंग सो लेक की पहली सनराइज, और पहली सनराइज क्या सही सनराइज थी यार। तो वो जो आज की सुबह थी बड़ी मस्ती, हालांकि नींद बहुत ही कम आई हमको, स्टैटिक चार्ज हमको करंट मारता रहा और सोने की जगह बहुत कम थी, ठंड लगती रही पैरों में, टेंट से काफ़ी बेटर था। अच्छा हमने टेंट नहीं लिया, क्योंकि अगर टेंट लेते तो भाई डेफिनेटली हमको चिल ब्लिंग्स या फ्रॉस्ट बाइट कुछ भी हो जाता। इट इज़ बेटर कि ये टेंट ले लें, और टेंट लेने के लिए आपको कम से कम 2 बजे से पहले यहाँ पर लैंड करना है। अभी हम जा रहे हैं पेंगोंग सो लेक की तरफ। पेंगोंग सो लेक बहुत बड़ी है और इसका कलर चेंज होता रहता है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ तो वहाँ पर ब्लू कलर है, वहाँ पर थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर है क्योंकि पहाड़ का रिफ्लेक्शन आ रहा है, वहाँ पर हल्का सा ग्रीन कलर है और वहाँ पर ब्लू कलर है। तो ऐसे करके ये लेक कलर चेंज करती रहती है। और यहाँ पर जब 2-3 पॉइंट्स बन चुके हैं अभी आज के टाइम पे, जहाँ पर 3 एडिट्स की शूटिंग हो रखी है, जैसे इससे पहले जैसे एंट्री करेंगे नुब्रा वैली से, तो वहाँ पर भी एक स्कूटर वाला पॉइंट बनाओ, जहाँ पर पीले वाले जो स्कूटर नहीं है वो रखे हुए हैं, और वहाँ पर भी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, वहाँ पर भी रहने के लिए जगह है। हमने सोचा नहीं, जो 3 एडिट्स का ओरिजिनल शूटिंग पॉइंट था ना, वहाँ पर जाते हैं। तो जो ऐसे रिंग में बन के आता है ना, थोड़ा सा कर्व में बन के आता है वहाँ पर, तो अभी वहीं जा रहे हैं। और वहाँ पर जो स्कूटर्स हैं वो भी लगे हुए हैं, ड्रम्स हैं वो भी लगे हुए हैं, बट्स हैं वो भी लगे हुए हैं। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि एक छोटे से बैंड की शूटिंग भी हो रही है। उसके बाद क्या था, हम हर इंडियन टूरिस्ट की तरह उस स्पॉट पे पहुँच गए। अब स्कूटर का जो किराया था वो 50 रुपये पर हेड था, अब कितने भी टाइम तक फ़ोटो खींच सकते हैं। तो हमने 3 लोगों के लिए सबसे पहला जो टर्न था वो था सपना का, और सपना की एक्चुअली वो फोटो खींचने वाला मैं इंसान था, तो बढ़िया फोटोज हमने खींची। उसके बाद का जो टर्न था वो मेरा था। स्कूटर के बाद हमने वो सीट का फोटो लिया, इधर उधर की फोटोज लेके हमने काफ़ी अच्छा एंजॉय किया वहाँ पर। वहाँ का जो माहौल था बहुत ठंडा माहौल था, लेकिन उस टाइम पे थोड़ी धूप आ गई थी तो ठीक ठाक माहौल हो गया, चलने लायक हो गया था। तो हमने भी सोचा कि भाई चलो निकलते हैं, अब टाइम है मूव करने का पेंगोंग से लेह वापस, क्योंकि लेह में थोड़ा सा एक्मोडाइज फिर से करेंगे और अगली जगह फिर से जाएंगे, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए काफ़ी सारा पेट्रोल रिजर्व में लेके चलना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पर पेट्रोल नहीं है। पेंगोंग लेक के ऊपर से हम जाते हैं पहाड़ के ऊपर से, तो मुझे एक चीज़ दिखाई दी, मैं आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर दिखाई देता है ये जो पैच है ना, मतलब क्या कलर है, कोई बयान नहीं कर सकता कैसा कितना सुंदर टर्कोइज कलर है यार। साफ कर रहे हैं, अलग अलग तरीके ना किस तरीके से फ्लैट करेगा। और यहाँ पर तानसे से लगभग 115 किलोमीटर के आसपास ले है। यहाँ पर क्यों रुके हम लोग, क्योंकि रितु की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो लेमन टी पीना था, बीच में हमने समोसा जलेबी खाया, सही जगह थी। तानसे स्टार्टिंग जब होती है ले पेंगोंग से, तो वहाँ पर एक आर्मी का कैफ़े है, वहाँ पर समोसा और जलेबी मिलती है, वहाँ पर ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पर तानसे में जियो का नेटवर्क आता है, तो जियो से जो भी पेमेंट होती है, व्हाट्सएप होता है, जो भी आप चलाना चाहें वो कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ओवरऑल जो ले में जब आप आते हैं तो जियो का सिम लेना चाहिए, जियो का सिम मैक्सिमम जगह पर चलता है जहाँ पर एयरटेल नहीं चलता है। और पेंगोंग सो में कोई भी सिम नहीं चलता है एक्सेप्ट BSNL, वो भी थुरकी चलता है थोड़ा सा। अंदर भी बहुत सारे गेस्ट हाउसेज हैं, तो अगर पेंगोंग सो ज़्यादा टाइम अगर लेट हो जाते हैं तो तानसे के अंदर रुक सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए गेस्ट हाउस पहले से है यहाँ पर अवेलेबल। अब यहाँ के बाद हमारा सफ़र आगे स्टार्ट हो चुका था। रास्ता मतलब पहले स्टार्टिंग में ठीक ठाक रास्ता था, रोड था, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद जो रोड था वो ख़राब होना स्टार्ट हो गया था। बहुत सारे लोगों ने हमें बोला था कि तांगसे से लेके ले का जो रास्ता है वो काफ़ी ख़राब है, लेकिन आगे जाने के बाद काफ़ी ठीक हो जाता। जो ये वाला पैच है ये एक्चुअली में हमको पूरा हिला दिया। आपको देखने में लग रहा होगा रोड ठीक ठाक है चलने लायक, लेकिन जब आप गाड़ी के अंदर का व्यू देखेंगे ना तो हिल जाएंगे। ये देखिए मतलब पूरी गाड़ी हिलती हुई जा रही थी, हम लोग भी हिलते हुए जा रहे थे, तो ऐसे में जो स्पीड है ना वो बन नहीं पा रही थी। लैंडस्लाइड वाला जोन था चांगला पास के पास, तो गाड़ी हिलती डुलती जा रही थी। वो तो भला हो, हमने ऑटोमेटिक गाड़ी परचेस कर ली थी, जिसकी वजह से हमारा जो पैर है वो आराम कर रहा था, क्योंकि ऑटोमेटिक में गाड़ी गियर अपने आप चेंज करती रहती है। चांगला पास पहुँचने के लिए छोका पसीना छूट जाता है। देखिए किसी भी रोड पर पहुँचने के लिए लोगों का पसीना छूटता है, यहाँ पर पेट का हिसाब गड़बड़ हो गया यार, इतना खराब रोड, हिलते डुलते आए हैं लगभग
कितना किलोमीटर पता नहीं, लेकिन बुरा हाल हो गया। और यहाँ पर आते ही एकदम ठंडा ठंडा मौसम है और नीचे गर्म गर्म मौसम है। ये वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पास है, क्योंकि इससे ऊंचा खारदुंगला पास है, वो कुछ 18,000 फीट पे है और ये कुछ 17,688 फीट पे है। वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पास है। तो देखिए मेरे पीछे वहाँ पर मिलिट्री का टीसीपी है और यहाँ पर अपना कैफेटेरिया वॉशरूम है। अभी यहाँ पर ज़्यादा टाइम रुकना नहीं है, क्योंकि बोलते हैं कि 15 मिनट से ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए किसी भी हाईएस्ट पास के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम होता है यहाँ पर। तो हम वहाँ पर फटाफट फोटो खिंचवाएंगे और कल्टी मार लेंगे। गर्म जगह टेम्परेचर चेक करता हूँ कितना टेम्परेचर है। हम मुझे काम करते रहना चाहिए। ओह गर्म है। मुझे समझ में आ जाएगा कि ठीक है। क्या? I can't bear it, I'll come. अब चांगला पास से जैसे ही हम लोग निकले तो ऐसे सीन आपको काफ़ी जगह देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये रोड जो है इसको मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पत्थर गिरते रहते हैं तो स्लोली स्लोली निकाल दिए जाते हैं। और रोड देखिए कितना ज़्यादा कट मार के निकाला गया है, ऐसा लगता है पहाड़ ऊपर से नीचे गिर रहा है। रास्ता इतना ख़राब था कि मैंने ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि बार बार उतरना और बार बार वीडियो रिकॉर्ड करना काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था और काफ़ी लंबा डिस्टेंस था। तो हमने तुरंत गाड़ी को खींचा और लेह सिटी पहुँच गए। हालांकि हम 8-9 बजे के आसपास पहुँच गए थे, हमने जो हमारी पुरानी वाली आंटी थी जहाँ पर हम पहले रुके हुए थे उनको कॉल किया और उनको बोला कि हम लोग आ गए वापस, हमारे लिए कोई रूम है तो उन्होंने बोला हाँ है। तो हम बोले बढ़िया बात, हमारे लिए बुक कर लीजिए। और सिटी के पास ना जो पार्किंग है, हमने गाड़ी वहाँ पर पार्क करके थोड़ा सोचा कि शॉपिंग कर लेते हैं। और जो सिटी है लेह सिटी, वो रात में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल में रहती है, रेस्टोरेंट्स खुले हुए थे, आप जाएँ वहाँ पर खाना पीना खाएँ। और हमें मालूम चला कि उसके नेक्स्ट डे जो मार्केट है वो बंद रहेगा, तो हमने अपने सुबह के खाने पीने का भी जुगाड़ कर लिया था। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा सफ़र पसंद आया होगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।